वहीं संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हो गया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य मुद्दे मणिपुर के रहे। राहुल महज 20 मिनट बोले। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। संसद में 2 घंटे अपने भाषण में वे मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोले, ये शोभा नहीं देता। दो घंटे तेरह मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है।